गरम वस्त्र पाकर मुस्कुराए स्कूली बच्चों के चेहरे। रविवार को भारत विकास परिषद के तत्वाधान में कस्बे की खंडेलवाल धर्मशाला में सरकारी स्कूलों के गरीब बच्चों को गर्म वस्त्र का वितरण किया गया। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष रामरतन तामी ने बताया कि कस्बे के 10 सरकारी स्कूलों के लगभग 130 बच्चों को गर्म जर्सियों का वितरण किया गया। गर्म जर्सी पाकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इस मौके पर डॉक्टर के एम गुप्ता ने कहा कि भारत विकास परिषद हर वर्ष गर्म वस्त्र वितरण एवं ड्रेस वितरण करती है। पिछली बार कोरोना के कारण हमें काम नहीं कर पाए थे। हमारी संस्था हमेशा समाज सेवा में अग्रणी रही है। वहीं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय इमाम चौक के प्रधानाध्यापक नरेंद्र कुमार शर्मा ने भारत विकास परिषद द्वारा किए गए इन कार्यों की प्रशंसा करते हुए परिषद के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के सचिव दीपक विजय, कुलदीप आर्य, राजीव जैन, पारस सराफ, ओम प्रकाश गुप्ता, लोकेश रावत, राहुल विजय, सूर्य प्रकाश गुप्ता एवं सभी स्कूलों के संस्था प्रधान सहित सभी सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में मंच संचालन लोकेश रावत ने किया।